नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवा रहे हैं जो आपके लिए जाननी बेहद ज्यादा जरूरी है। खबर कुछ समय पहले की है लेकिन उस पर जांच कमेटी बिठाई जाती है और उस जांच कमेटी में ये बात साफ हो जाती है कि घोटाला हुआ है और घोटाला तकरीबन 1-2 लाख का नहीं बल्कि पूरे 10,19,000 का हुआ है। करनाल के करण स्टेडियम के अंदर स्टेट स्टोर सेंटर है और यहाँ पर जो स्टेट स्टोर सेंटर है वहाँ पर सामान रखा जाता है, अलग अलग खिलाड़ियों का जो सामान है, पूरे हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं जहाँ पर स्टेडियम है जो उन्हें सामान दिया जाना चाहिए, स्पोर्ट्स का जो सामान है, खेल का जो सामान है जो दिया जाना चाहिए वो करनाल के अंदर रखा जाता है। लेकिन 6 मार्च को हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह करनाल आते हैं और उन्हें जानकारी मिलती है, उन्हें शिकायत मिलती है कि जो स्टेट स्टोर सेंटर है उसमें खेल का जो सामान है उसको लेकर गड़बड़ियां हुई हैं, यानी कि जो सामान है वो रजिस्टर में चढ़ा नहीं है और यहां से गायब हो गया है, बच्चों तक पहुंचा नहीं है। वो रजिस्टर रख लेते हैं और यहां से उस दौरान जो तत्कालीन DSO थे, खेल अधिकारी थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, स्टोर कीपर को सस्पेंड कर दिया जाता है और 2018 अप्रैल से मार्च 2020 तक खेल के सामान का स्टॉक जांचा गया और जो 6 जून से 10 जुलाई तक की ऑडिट किया गया और ऑडिट के अंदर पाया गया कि 10,19,000 रुपए की राशि का जो केंद्रीय स्टॉक रजिस्टर करनाल में कम सामान दिखाया गया, यानी कि जो सामान है वो कम है। यानी कि जब 6 मार्च को हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह यहां पर आए थे तो उन्होंने एक जांच कमेटी बिठा दी थी और वो जांच कमेटी लगातार करनाल का दौरा भी कर रही थी। कभी ज्वाइंट डायरेक्टर खेल हैं वो करनाल आ रहे थे, कभी डिप्टी डायरेक्टर आ रहे थे और अलग अलग लोगों से पूछताछ की जा रही थी और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा था कि जो सामान है खेल का स्टेट स्टोर सेंटर के अंदर जो रखा जाता है वो गया कहाँ, क्योंकि रजिस्टर जो है हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ले गए थे 6 मार्च के दौरान और उस दौरान जो स्टोर कीपर थे और साथ ही साथ जो DSO थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। अब बात साफ हो गई है, उस ऑडिट रिपोर्ट में सामने निकल कर आया है कि 10,19,000 रुपए का जो सामान है वो कम मिला है। तो आप समझ सकते हैं ये एक बड़ी जो गड़बड़ी है वो देखने को मिली है। साथ ही साथ जो मौजूदा DSO है उनसे जवाब मांगा गया है एक हफ्ते के अंदर जवाब दिया जाए। अभी जो डिस्ट्रिक्ट स्टोर सेंटर हैं उनकी जांच होना बाकी है, यानी कि जो जिले के स्टोर सेंटर हैं उनकी जांच होना बाकी है। अगर उनकी जांच होती है तो उसमें भी गड़बड़ी पाने का जो अंदेशा है वो सामने निकल कर आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो खेल का सामान होता है वो बच्चों के लिए आता है सरकार की तरफ से, लेकिन वो बाहर बेच दिया जाता है या फिर किसी और को दे दिया जाता है और उसके बदले रकम ले ली जाती है और जिसका घोटाला बाहर देखने को मिला है, सामने देखने को मिला है, क्योंकि हरियाणा के खेल मंत्री को शिकायत मिली थी। उसके बाद 6 मार्च को यहाँ पर आते हैं, उसके बाद एक जाँच कमेटी बिठाई जाती है और वो जांच कमेटी जो जांच करती है उसमें ये बात साफ हो जाती है कि 10,19,000 के सामान कम पाया गया है और उसमें जो है उस दौरान के खेल अधिकारी थे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, साथ ही साथ स्टोर कीपर को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक कमी जो यहाँ पर देखने को मिली है वो ये भी है कि जो सामान है खेल का सामान है वो स्टोर सेंटर के अंदर रखा जाना चाहिए, लेकिन स्टोर सेंटर यहाँ पर कई बनाए हुए हैं लेकिन वहां पर सामान नहीं रखा हुआ, सामान जो है वो बाहर रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कई खामियां अभी भी करण स्टेडियम में देखने को मिल रही है। हालांकि नया फैसिलिटी सेंटर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन जो इसकी जो फैसिलिटी है खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए वो फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। गड़बड़ी कहां हुई, कैसे हुई, इसके लिए जांच कमेटी जरूर बिठाई गई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी। घोटाला हुआ, सस्पेंड कर दिए उसी दौरान कर दिए थे, लेकिन मौजूदा जो DSO हैं वो क्या जवाब देते हैं ये भी बात देखने वाली होगी। करनाल के उपायुक्त निशांत यादव का इस पूरे मामले पर क्या कहना है आइए हम आपको सुनवाते हैं। ये मामला भी हमारे संज्ञान में आया है, माननीय खेल मंत्री जी ने यहाँ पे पहले साइट विजिट भी की थी और एक इंक्वायरी मार्क की थी।
अब उन्होंने उनकी तरफ से और खेल विभाग की तरफ से डायरेक्शन दी गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है, जिला खेल अधिकारी हैं, वो इसकी जांच करें और उनको टाइम बाउंड तरीके से रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है। एक बार उनकी तरफ से जांच होकर के और उनकी जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 10.5 लाख रुपए के माल की चोरी हुई है, तो माल बरामद हो जाएगा जी? तो बिल्कुल, ये जो करनाल का सेंटर है ये पूरे स्टेट के लिए जो स्टोर बनाया गया है खेल सामग्री के लिए, तो इसमें अगर इस तरह की कोई चोरी की बात सामने आती है जांच में तो तुरंत हम जो भी उस टाइम पे स्टोर कीपर और बाकी संबंधित कर्मचारी अधिकारीगण होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स मटेरियल की बरामदगी हो जाए। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह की तरफ से करनाल के करण स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया गया था, रजिस्टर को देखा गया था और स्टोर कीपर को सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी कि जो करनाल के करण स्टेडियम के अंदर स्टेट स्टोर सेंटर है वहाँ पर जो सामान है वो बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहा है और उसके बाद जाँच कमेटी बिठाई जाती है, एक ऑडिट जो है रिपोर्ट सामने आती है कि 10,19,000 रुपये का घोटाला हो गया। हमारे साथ मौजूदा डीएसओ साहब मौजूद हैं। डीएसओ साहब, क्या पूरी जानकारी आप तक पहुंची है और खेल विभाग की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, खेल विभाग की तरफ से हमारे पास एक लेटर आया था, उन्होंने ये कहा था आप अपने स्टोर की जांच कराएं। हमने विभाग को वापस लेटर लिख रखा है कि जो रिकॉर्ड है और जो संबंधित लिपिक था वो हमारे पास भेजें और हम उसकी जांच कर देंगे। तो किस विषय में जो आपका रिकॉर्ड है वो खेल विभाग के पास गया हुआ है? विषय तो ये इसका सामान का मामला, लेकिन मेरे को ये पता नहीं वो किस विषय पर सस्पेंड किए गए थे, मेरे को इस बात नहीं, का सस्पेंड पता... की तो मैं जानकारी चाह भी नहीं रहा। हाँ, जो रजिस्टर है हाँ, वो किस लिए खेल विभाग के पास गया हुआ है, आपके पास क्यों नहीं है? वो यहाँ मंत्री जी आए थे और वो अपना लेके गए थे, उन्होंने एंड ओवर कर लिया था रजिस्टर। अब खेल विभाग ने किस स्टोर की जांच के लिए आपको कहा? ये जिला स्टोर की। जिला स्टोर की। हाँ। तो स्टेट स्टोर में भी कोई खामियां पाई गई हैं? अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसकी भी देखेंगे हम, बिल्कुल जब सारे की जांच करेंगे तो सबकी जांच करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। एक जांच कमेटी बिठाई गई थी, उसका कोई नतीजा आया है सामने? ऑडिट रिपोर्ट आई है? नहीं, हमारे यहाँ तो इस लेवल पर तो कोई जांच कमेटी नहीं बैठी, ऊपर विभाग में बैठी होगी, हमारे उसका हमारे को पता नहीं, उसका आपको पता नहीं? नहीं जी। तो फिलहाल डीएसओ साहब के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ पर कोई कमेटी बैठी थी या नहीं बैठी थी, क्योंकि खेल विभाग यानी कि संदीप सिंह ने जब निरीक्षण किया था उस दौरान उन्होंने एक जांच कमेटी बिठाई थी, क्योंकि वो 6 मार्च को औचक निरीक्षण पर पहुँचे थे। उसके बाद ये देखा गया था कि करण स्टेडियम के अंदर जो स्टेट स्टोर सेंटर है जहाँ पर सामान रखा जाता है बच्चों का, खिलाड़ियों का, उसके अंदर जो गड़बड़ी है उसको लेकर जांच कमेटी बिठाई गई थी और फिलहाल ये ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है कि 10,19,000 रुपए का जो सामान है वो गायब हो जाता है, उसकी गड़बड़ी हो जाती है, वो कहां चला जाता है ये पता करना अभी बाकी है। लेकिन खेल विभाग की तरफ से एक निर्देश और भी दिया गया है कि जो जिला स्टोर सेंटर है उनकी भी जांच होनी चाहिए और अगर उनकी भी जांच होती है तो फिर काफी गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसी गड़बड़ियां नहीं होंगी, जो सामान बच्चों तक पहुंचना चाहिए, खिलाड़ियों तक पहुंचना चाहिए वो जरूर पहुंचेगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।